आगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े की किसान आक्रोश पदयात्रा आगर जिले के बड़ो तहसील कार्यालय पहुंची, जहां किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े क्षेत्र में निरंतर पदयात्रा के माध्यम से क्षेत्रीय किसानों के साथ इन दिनों किसान आक्रोश पदयात्रा निकालकर किसानों की फसलों का मुआवजे एवं बीमा राशि प्रदान करने, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने हेतु ऐसी कई विभिन्न समस्याओं को लेकर बड़ों के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। विधायक विपिन वानखेड़े की यहां पदयात्रा आगर जिले के बड़ों क्षेत्र के ग्राम बरगड़ी से आरंभ होकर बड़ों क्षेत्र के विभिन्न गांवों से होते हुए बड़ो तहसील कार्यालय पहुंची। आगर मालवा से फहीमुद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। द्वारा नहीं दिया गया फसल की बीमा राशि किसानों को नहीं मिली, जिसके कारण हर किसान समस्या से जूझ रहा है। किसान की परेशानियों को किसी भी तरह से हल नहीं किया जा रहा है और न किसी भी प्रकार का बीमा देने की घोषणा की गई है। रबी की फसल की बुआई के समय किसानों को खाद के लिए आएगा ज्ञापन दिया सर। आज हमारी मांग है किसानों की समस्याएं खत्म होनी चाहिए, निराकरण होना चाहिए। लगातार क्षेत्र में खाद की किल्लत है, बिजली विभाग किसानों से जबरदस्ती बिलों की वसूली कर रहा है, किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नहीं मिला है, बीमे की राशि नहीं मिली है, राजस्व विभाग सर्वे नहीं कर रहा है। ऐसी तमाम जो किसानों की समस्याएं हैं उनका निराकरण होना चाहिए। इसी के चलते हम लोग लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग पदयात्राएं कर रहे हैं और तहसील में जाकर तहसीलदार को ज्ञापन दे रहे हैं। जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक कांग्रेस पार्टी का आंदोलन लगातार जारी रहेगा।